नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लेके आया जो HPZ टोकन वालों ने मुझे किया क्या मैसेज भेजा था। सो गाइस, मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगा क्योंकि वो लोग गुस्से में है, गुस्से में हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो गाइस, मैं जब ये वीडियो पूरा वायरल कर रहा हूँ कि HPZ टोकन वाले भागने वाले हैं 15 अगस्त के बाद, तो उन्होंने मेरे वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट किया आई फक यू बोल के। तो गाइस, मैं इसलिए उनका कमेंट रिमूव किया, मैंने हटा दिया उनका कमेंट, जो भी कमेंट किया था उनको मैं रिमूव किया मेरे चैनल से। हो सकता है शायद वो HPZ कंपनी की तरफ से है, मैंने पहले भी बोला था शायद मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें शायद HPZ कंपनी का भी कोई सब्सक्राइबर हो, क्योंकि वो जिस तरीके से मैसेज भेजते रहता है, कमेंट करते रहते हैं मेरे वीडियो पर, मतलब मुझे वो लोग देखना चाहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं मैं कौन हूँ, तो ऐसा सोच रहे वो लोग। तो इसलिए कुछ ऐसे तरीके से कमेंट करता है मेरे वीडियो पर कि मैं उनको खुल्लम खुल्ला उनका जवाब दे दो। और गाइस, HPZ कंपनी का मुझे मैनेजर का नंबर पूछ रहे, मैं नंबर इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ, जो भी HPZ कंपनी में है वो लोगों को ज़रूर ग्रुप में शामिल होना पड़ता है और वो लोगों को ग्रुप में शामिल कराया जाता है, इसलिए सभी के पास नंबर होगा। देखिए वहाँ पे ग्रुप के डिटेल्स में, ग्रुप इन्फो में देखिए वहाँ पे आप लोगों का जो डिटेल्स है एडमिन का, कौन कौन एडमिन है, वहाँ पे एडमिन लिखा हुआ रहेगा और उनको आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं इसलिए नंबर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खुद वहाँ पे अपना ग्रुप से ग्रुप के एडमिन को कॉन्टेक्ट कीजिए। तो गाइस, कल बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियो पर आई फक यू, मतलब कुछ गंदे गंदे बात को लेकर ऐसे मुझे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे वीडियो मत बनाओ, ऐसे वीडियो वायरल मत करो। क्योंकि देखो गाइस, वो लोग 5,000 रुपया पूछ रहे हैं, किसी के ग्रुप में 3,000 रुपया पूछ रहे हैं, कोई बोल रहे आप लोगों का ग्रुप फेक है, कोई बोल रहे ये झूठ है। तो गाइस, ये कोई फेक नहीं, कोई झूठ नहीं, क्योंकि सभी ग्रुप का अलग अलग एडमिन है, मतलब कंपनी एक ही है HPZ टोकन, लेकिन ग्रुप का जो एडमिन है अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है। कोई 3,000 भेज रहा है, कोई 5,000 भेज रहा है, शायद किसी का और अलग अमाउंट भेज रहा है अलग ग्रुप में, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो लोग 5,000 रुपया रिसर्च करने के लिए बोल रहे कि बहुत एडमिन है फेक अकाउंट यूज़ कर रहा है। अरे भाई, फेक अकाउंट कैसे यूज़ करेगा? तो बोल रहे हैं कि फेक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको उनमें से चेक करना है किसका किसका रियल अकाउंट है। तो जो जिसका रियल अकाउंट है वो लोग रिसर्च करे 5,000 रुपये करके। रिसर्च करने के बाद कोई मशीन परचेस नहीं करना है, सिर्फ जो माय बैलेंस में रिसर्च करने के बाद माय बैलेंस में जो 5,000 रुपया आपका माय बैलेंस में शो करेगा वो आपको उनको स्क्रीनशॉट करके भेजने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस, वो लोग 15 अगस्त के बाद आपके जो विड्रॉल पेमेंट पेंडिंग है उसके साथ ये 5,000 भी लौटा देगा बोल रहे। तो गाइस, एक दिन के लिए उनको 5,000 रुपया क्यों चाहिए? मेरा बात वो है, मेरा क्वेश्चंस वो है, एक दिन के लिए उनको 5,000 रुपया क्या क्यों चाहिए? तो रियल है फेक है वो सब करने के लिए उनको कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो अकाउंट जो यूज़ कर रहे वो लोग पैसा ले रहे, कोई दूसरे के अकाउंट में नहीं जा रहे, कोई किसी को पैसा नहीं दे रहे। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, देखिए अभी किसी का 1,000 रुपया, कोई 500 RC का रिसर्च किया हुआ है उनको मिलेगा 1,300 रुपया। तो गाइस, 1,300 रुपया के साथ कोई 5,000 रुपया कैसे दे सकता है? कैसे वो विश्वास करेगा कि 5,000 रुपया दे दूँ मुझे 1,300 रुपया मिल जाएगा? किसी का 500 रुपया फंसा हुआ है, उसके लिए उनको 5,000 रुपया देने पड़ेगा, वो लोग कैसे देगा 5,000 रुपया? तो इसलिए बोलो, मेरे ख्याल से शायद बहुत लोगों ने अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाख लाख रुपया फंसा हुआ है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई, लाख रुपया फंसा हुआ है तो 5,000 रुपये के लिए क्या है? कोई ऐसा भी हो सकता है कोई पैसे वाला हो, कोई ऐसे भी हो सकता है कोई पैसे वाला हो और मतलब लाख लाख रुपया वेस्ट किया तो लॉस हो रहा है, तो और 5,000 रुपया लॉस होने दो, कोई बात नहीं। ऐसे लोग भी है, कोई पैसे वाला भी है, अमीर आदमी भी है, तो वो लोग 5,000 रुपया दे रहे। अगर वो लोग सोच रहे लॉस होगा तो होगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी तो लाख लाख रुपया लॉस हो रहा है। तो गाइस, और मिलेगा तो बाई चांस मिल जाने से, 5,000 रुपया देने से तो उनको लाख लाख रुपया मिल रहा है ना। तो ऐसे सोच के बहुत सारे लोगों ने शायद पेमेंट कर रहे हैं, उनको पेमेंट दे रहे। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इसलिए ये वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे HPZ कंपनी के तरफ से शायद लगता है, लेकिन क्यों भेजेगा नहीं तो ऐसा मैसेज, मुझे बहुत बुरा बुरा गंदा गंदा मैसेज भेज रहे हैं। तो इसलिए, और एक ने मैसेज किया मुझे कि आप क्यों ऐसे मैसेज भेज रहे हो? मैं बोला, अरे यार, आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, जब आपको लॉस होगा तो क्या होगा?
तो उन्होंने बोला मुझे बहुत गंदे गंदे बात बोला है। तो गैस मैंने पूछा आप मतलब एचपीजेड कंपनी का हो, उन्होंने बोला नहीं मैं अल्फास कंपनी का हो। तो गैस अल्फास कंपनी में भी मैंने तो इन्वेस्ट किया था ना, उसमें भी मेरा 25,000 ले लिया ना आपने बोला। तो उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया उसका, मतलब वो लोग अल्फास फ्रेंड एचपीजेड और कुछ ऐप्स है, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ इसमें, मैं अभी क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी पैसा मिल रहा है इसलिए मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ। शायद वो लोग कंपनी एक ही है, मतलब मुझे तो लगता है एक ही है और ऐसा कुछ है कंपनी, मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा उसमें, नाम बाद में मेंशन करूँगा जब कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो वो लोग बहुत सारे कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ऐप्स के कंपनियाँ एक ही है, वो लोग एक ही टीम है, एक ही ग्रुप है, ऐप्स को अलग अलग तरीके से बना रहा है। उनके टीम में पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो वो लोग ऐसे ऐप्स को बना सकता है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन में ऐप्स बना के ऐसे सभी को लूट रहे ठीक है। जब पहले नया नया ओपन होता है ऐसा ऐप बहुत अच्छा खासा आपको इनकम देता है, लेकिन धीरे धीरे एक दो महीने चलने के बाद आपको लूटना शुरू कर देंगे वो लोग। कोई ऐप्स तो एक डेढ़ महीना चलता है, कोई एक हफ्ते चलता है, कोई 10 दिन चलता है, कोई तो 3-4 महीना भी चल जाता है। कोई ऐप्स का भरोसा नहीं है। अभी फिलहाल मुझे जो जानकारी है, अभी कुछ दिन पहले फार्जन मीडिया बंद हो चुका है, अल्फास प्लान बंद हो चुका है, ग्रे ऑरेंज बंद हो चुका है। अभी मैं जिसमें इन्वेस्ट किया उसके बारे में बोल रहा हूँ, ऑलरेडी 3 ऐप्स ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो गाइस और कितना ऐप्स बंद होगा पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐप्स में जब नया नया निकलता है उसी टाइम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 2-1.5 महीना हो गया तो ऐसा ऐप्स में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस यही है मेरा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या आता है आप लोगों को बताते रहूँगा। और गाइस अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे।